हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत खूबसूरत शॉपिंग शेयर करने जा रही हूँ। कहाँ से मैंने लिया और किस दाम में लिया, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। मैं अक्सर ये जब भी शॉपिंग करती हूँ तो आप लोगों से शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपको अच्छा लगे, सस्ता लगे, तो आप भी ले सकते हैं। आप भी महंगे प्लांट ऑनलाइन लेने से बच सकते हैं। और ये जितने भी फूल देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, ये कॉर्नफ्लावर है, ये लच्छापुर है। तो बहुत सारा विंटर सीड मेरे पास है, कलेक्शन है, जो आप मुझसे ले सकते हैं। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कौन कौन से सीड मैं देने वाली हूँ, वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और मैं नेचर अराउंड मी में भी आप जाके देख सकते हैं कि जितने भी मैंने विंटर फ्लावरिंग प्लांट शेयर किए हैं, आप उनके सीड ले सकते हैं। तो एक दो दिन में मैं नेचर अराउंड मी में अपने वीडियो शेयर करूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जिन्हें जिन्हें सीट चाहिए वो मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं बिजी हूँ, मेरे घर शिफ्टिंग वगैरह हो रहा है और बहुत लोगों ने मुझसे प्लांट भी मांगा है। इवन मुझे उन्होंने पैसे भी भेज दिए थे, जबकि मैं बोली थी कि मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो कोई नहीं, थैंक यू सो मच मुझ पर बिलीव करने के लिए, मुझ पर फेथ करने के लिए। मैं जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को एक एक करके प्लांट भेज दूँगी। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोग मुझसे एक मांगते हैं, तो मैं उनको चार पांच, एक दो नहीं, चार पांच, छः, सात ऐसे एक्स्ट्रा प्लांट में उनमें रख के जितना होता है मैं भेज देती हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे गार्डन के एक्स्ट्रा प्लांट हैं। तो प्लांट के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और देखिए मेरे हिबिस्कस में कितनी अच्छी ग्रोथ है। और कुछ ऑनलाइन जो मैं कलकत्ते से मंगाई थी वो भी आप लोगों से कुछ अपडेट दे देती हूँ। क्या ये कलकत्ते से, जो मेरे पुराने व्यूअर वो जानते होंगे, ये तीन हिबिस्कस मैंने मंगाया था कलकत्ते वाली वेराइटी। ये पंचमुखी मैंने येलो और डार्क मजेंडा कलर और लाइट पिंक मंगाया था। तो जिसमें से येलो तो ख़राब हो गया मेरा, वो बहुत उन्होंने उतना अच्छा प्लांट नहीं दिया था। लेकिन ये दो की ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई, लेकिन दुख की बात है कि ग्रोथ तो अच्छी हुई है लेकिन कलर दोनों के सेम ही है, लाइट पिंक। जबकि मुझे एक मजंडा डार्क पिंक कलर वाला पंचमुखी हिबिस्कस और येलो चाहिए था। कोई नहीं, येलो मैं सर्च कर रही हूँ, अगर दोबारा मिला तो मैं ऐड करूँगी। और देखिए ये पिंक और येलो जो 4 o'clock है उनमें सीड बनने लगे हैं। काले काले काली जो मिर्च होती है उस तरह बीज होते हैं, बहुत ईजी टू ग्रो होता है, कभी मरता नहीं है 4 o'clock, क्योंकि इसके नीचे मोटे मोटे शकरकंद की तरह राइजोम बनते हैं, उसको रखे रहिएगा तो हर साल अपने आप उसमें से न्यू ग्रोथ होता है। तो येलो और मेरे वाइट में भी फूल आए, मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मैं घर शिफ्टिंग में बिजी हूँ और कुछ काम भी चल रहा है। और देखिए ये भी पंचमुखी रेड हिबिस्कस है, कहा जाए तो ये बहुत ही, इसमें उससे भी बड़ा साइज है। और ये मैं लोकल नर्सरी से ही ली थी, मुझे याद नहीं कौन से नर्सरी से ली थी, क्योंकि मैं हमेशा प्लांट अक्सर लेती रहती हूँ तो समझ में याद नहीं रहता कौन से नर्सरी की है ये। और इतनी फ्लावरिंग हो रही है, तो माता रानी की कृपा है कि इस समय मुझे लाल फूल बहुत सारे मिल रहे हैं और ढेरों इसमें फूल आ रहे हैं। माता रानी जैसे कि लाल फूल बहुत पसंद करती हैं, जो स्पेशली गुलहड़ हो, हिबिस्कस हो, तो उनको ज़रूर लाल फूल चढ़ाइएगा। अभी माता रानी का दिन भी चल रहा है। और ये सारे, और मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, ये एचमेनिया के छोटे छोटे प्लांट निकले हुए हैं, जो कि मैंने बहुत सारे इसके छोटे छोटे जो राइजोम होते हैं ग्रो किया हुआ था। तो ये बहुत खुशी हो रही है कि एचमेनिया के भी प्लांट निकल आ रहे हैं। तो बस ये, और देखिए ये भी ये सेम कलर, दोनों एक ही कलर निकल आया है। तो ऑनलाइन में ये होता है कि कलर का पता नहीं चलता है। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने बताया था कि मेरे लिए कुछ आया हुआ है। तो देखिए बहुत खूबसूरत ये क्यूट सा पॉट मुझे मेरी एक व्यूअर ने ही दिया है, विभा जी ने। तो ये गिफ्ट उन्होंने कमलेश नर्सरी में छोड़ दिया था, 3-4 दिन हो गए थे, मुझे टाइम नहीं मिला था घर के शिफ्टिंग में। तो फिर कमलेश जी ने कहा कि आपके लिए गिफ्ट आया है, तो मैं जाके ले आई। तो देखिए बहुत खूबसूरत है, ये यूनिकॉर्न है और इसमें छोटे से प्लांट लगा के, जैसे जेट प्लांट हुआ, छोटा मनी प्लांट हुआ, पोथोस की कोई वेराइटी, पानी में छोटे से डब्बे में रख के लगा सकते हैं। देखें बहुत खूबसूरत है, और मिट्टी पे भी रख के, मिट्टी में तो ख़राब, लेकिन होल भी बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत गिफ्ट है, बहुत क्यूट सा गिफ्ट है।
और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मेरे व्यूअर इतना प्यार देते हैं इतनी दूर से आके, और वो कमलेश नर्सरी में रख के गई थी इतना प्यारा गिफ्ट। तो थैंक यू सो मच विभा जी, इतना खूबसूरत क्यूट से गिफ्ट के लिए। ये इतना प्यारा सा क्यूट सा पॉट मेरे पास नहीं था, जो कि मैं बहुत दिनों से ऑनलाइन भी सर्च कर रही थी। मैंने ऑनलाइन देखा था इसे, क्योंकि हमारे नर्सरी में सेरेमिक पॉट के आते हैं, छोटे छोटे सेरेमिक पॉट के क्यूट से प्लांटर आते हैं, लेकिन ऐसा प्लांटर मेरे पास नहीं था। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच विभा जी इतने खूबसूरत गिफ्ट के लिए। तो आइए देखिए कौन कौन से शॉपिंग मैंने की है। तो शॉपिंग तो ज़्यादा नहीं की है, तो आइए सबसे पहले देखिए, ये मैंने कलाडियम की कुछ वेराइटी ली थी, जिनमें से एक ये था। तो मैंने और भी 3-4 कलाडियम लिया था, जो कि मैंने शेयर किया ही हुआ है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा और ये मुझे 250 में मिला, देख ही सकते हैं। और काफ़ी हेल्दी प्लांट है, और एक से दो, दो से तीन मैंने इसके प्लांट भी बना लिए, क्योंकि ये भरा हुआ प्लांट था तो इजी टू ग्रो है। इनको रूट से अलग करके बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं। ये कोकोपीट में लगा हुआ है, 6 इंच के पॉट में है। और ये मैंने ये प्लांट लिया था कमलेश नर्सरी से, ये प्लांट मैंने लिया था और मुझे काफ़ी हेल्दी बुशी प्लांट मिला था। और देखिए ये क्रैनबेरी हिबिस्कस है, रेड पत्तों वाला। तो मेरे पास बहुत सारे सीड थे और मैंने बहुत लोगों को दिए हुए। आज ऐसा है कि आज मेरे पास ही नहीं है, और कहाँ रख दिए मुझे याद भी नहीं है। और छोटे से पॉलीबैग में मैंने रखा था और मिल भी नहीं रहा, कभी मिलेगा तो फिर मैं ग्रो करूँगी, फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है। और इसी टाइम ये ग्रो होते हैं, इसके सीड इसी टाइम अगर आपके पास हैं तो ग्रो कर सकते हैं। इसमें फूल भी आ रहे हैं और देख ही सकते हैं ब्लैक सॉइल में लगा हुआ है। प्लांट की ग्रोथ तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसे ग्रो कर लूँगी। और देखिए बहुत खूबसूरत ये ग्रास है, ये फाउंटेन ग्रास है, मैंने रमाई नर्सरी में शेयर किया था। इसके बहुत खूबसूरत इसके फूल आते हैं, मतलब कहा जाए तो यूनिक बहुत खूबसूरत एक प्लांट है। एक कॉर्नर में अगर लगा दीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा। और ये मैं 100 रुपीज़ में लेके आई, आप रमाई नर्सरी से 100 रुपीज़ में ले आ सकते हैं। नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास के प्लांट निकलते हैं ना, सेम इसी तरह ये प्लांट है, इसके नीचे से बहुत सारे बेबी प्लांट निकलते हैं। बेहद खूबसूरत है, पत्तियाँ की जो कलर है मैरून कलर है, और इन्होंने ज़मीन से उखाड़ के दिया तो थोड़ा सा ये डल है। ज़मीन से कोई प्लांट लेके आते हैं तो थोड़ा सा ये डल रहता है, गिरा हुआ रहता है, कोई नहीं, बहुत रफ एंड टफ हार्डी प्लांट है। तो ये मैं लेके आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत दिनों से मुझे ये ऑनलाइन मुझे ये सिंगोनियम या किसी के गार्डन में दिखता था, अभी तो थोड़ी सी वेरिएशन नहीं आई हुई है इसमें, देखिएगा सर्च कीजिएगा, इसमें पिंक पिंक के डॉट होते हैं, धब्बे होते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये सिंगोनियम। तो मुझे ये प्रिया नर्सरी से 80 रुपीज़ में मिला सिंगोनियम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास पिंक है और जो नॉर्मल वाला है, 2-3 ड्रॉप वाली वेराइटी सिंगोनियम है, तो ये भी मैंने ऐड किया है। मल्टीप्लाई हो गया, बहुत सारा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ी शॉपिंग नहीं। और 2-3 प्लांट लिए हैं मैंने, लगा दिए हैं। अब इतने मेरे सामान घर के इधर से उधर हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा है, तो इनकी मैंने रिपोर्टिंग भी नहीं की है अभी। उसके बाद से ये जो ये 35 में मैंने एसिटिक लिली के बल्ब लिए हैं, कलर तो पता नहीं, लेकिन देख ही सकते हैं कितना हेल्दी इसमें स्प्राउट है, तो बहुत हेल्दी बल्ब है, देख ही सकते हैं। और उनका रिजल्ट मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, लास्ट ईयर के अभी उनमें फूल आना शुरू हो गए हैं, पिछले बार तो बंदरों ने ख़राब कर दिया था, तो इस बार देखें, इस बार बंदरों से बचाना पड़ेगा, फिर से बंदर आने लगे हैं। और ये मात्र 10 रुपीज़ के ये ग्लाडियस के बल हैं, और जैसे कि मेरे पास रेड है और वाइट है, और देखें इनमें से कौन से कलर निकल रहे हैं। और जब भी लगाइएगा तो इनमें जो पत्तियां हैं ऊपर से जो थोड़े थोड़े गीले गीले होते हैं या बेकार होते हैं, इनको पूरा हटा दीजिएगा, नहीं तो गल के बल्ब ख़राब होने का डर रहता है। और ये भाग नीचे रखिएगा, और ये जो नुकीला भाग होता है ऊपर रखिएगा, और पूरा पूरा मिट्टी में नहीं दबाइएगा, नहीं तो ये गल जाएगा। आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर रखिएगा बल्ब के, बल्ब को कभी भी लगाइएगा तो फंगिसाइड में थोड़ा सा इसको डिप करके फिर लगाइएगा। पानी का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, नहीं तो ये गल जाएगा। बहुत खूबसूरत है, सस्ते बल्ब है, आप उनके यहाँ से ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, विंटर प्लांट के सीड बहुत सारे मेरे पास है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जिनमें से ये पॉपी ले सकते हैं। पॉपी मेरे पास सिंगल डबल दोनों ही हैं, तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि सभी लोगों को सिंगल डबल जो हो मेरे पास, वो मैं देने की कोशिश करूँ। तो डबल भी मेरे पास है, डबल भी ले सकते हैं, बहुत गुच्छों में इसके फूल आते हैं।
और बहुत सारे जैसे कि हॉली हॉक्स है, लच्छापुर है, कॉर्नफ्लावर है, बहुत सारे नस्टेशियम, मुझे तो याद भी नहीं आ रहे, इतने सारे सीड हैं मेरे पास, तो आप ये सारे मुझसे ले सकते हैं। और ये जितने भी सीड है ना, ये ऐसे हैं कि मिट्टी में बिखेरिए और तेज़ी से ये ग्रो हो जाते हैं, मतलब फ्री में आपके गार्डन इतने खूबसूरत कलरफुल फूलों से भर देते हैं। और ये सिटिक लिली है, ये रमाई नर्सरी से मैं लेके आई थी, देखिए कितना खूबसूरत खिला था, बंदरों ने इसको उखाड़ के फेंक दिया था, फिर मैंने दोबारा मिर्ची के पॉट में इसे दबा दिया कि पता नहीं अब तो ये मर गया, ख़राब हो गया, लेकिन नीचे से ये निकला और फिर फूल खिला। गजेनिया का भी ले सकते हैं, गजेनिया भी मेरे पास गजेनिया के सीड है, कलर तो मैं नहीं बता सकती गजेनिया में कौन से कलर हैं, मिक्स कलर होंगे, वो भी ले सकते हैं। गजेनिया भी बहुत रफ़ एंड टफ हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगता है ये, तो गजेनिया भी ले सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं याद आ रहा है, जिनमें से पेपर फ्लावर भी है, कॉर्न फ्लावर भी है, लच्छापुर है, जैसा कि पिछले बार भी मैंने बहुत लोगों को शेयर किया हुआ था, तो ये सारे प्लांट आप मुझसे ले सकते हैं। और ये देखिए, ये कॉर्नफ्लावर के सीड हैं, तो सीड मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं, ये नस्टेशियम के सीड हैं, तो मुझे पता है कि ये बहुत हेल्दी सीड है, और ऑरेंज है, कुछ येलो है, मिक्स है। और ये है पेपर फ्लावर, बहुत सुंदर होता है, इसके फूल कभी नहीं मरते, कभी नहीं मुरझाते, और इसके ऐसे लगता है आर्टिफिशियल फ्लावर है, महीनों महीनों रहते हैं, तो जब लास्ट होता है तो ऐसे सूख जाते हैं ये, तो आप मुझसे इन सारे सीड को आप मुझसे ले सकते हैं और देख ही सकते हैं। मुझे पता है कि ये बहुत हेल्दी सीड है, और सारे सीड बहुत एक बार में डालिएगा तो अच्छी तरह से जर्मिनेट हो जाएगा। तो सीड खरीदने पर ऑनलाइन कभी कभी हम धोखा भी खा जाते हैं, तो मुझसे आप सीड ले सकते हैं। और एक बहुत स्पेशल जो कि हर टाइम ये गार्डन में रहेगा, कभी मरेगा नहीं, ये लाल वाला गेंदा, ये मच्छरों को भी भगाता है। गेंदा तो बहुत होते हैं हाइब्रिड वाले, जो बड़े साइज वाले होते हैं, लेकिन इस गेंदा का कोई जवाब नहीं, पूजा के लिए सबसे शुभ प्लांट है। और इसके बीज भी आप मुझसे ले सकते हैं, कटिंग से भी इसके प्लांट लगा सकते हैं, बहुत शुभ होता है। तो बहुत सारे ऐसे सीड हैं विंटर के, जो कि मुझे नाम भी नहीं याद है, आप ले, मैंने लिख लिख के एक पेपर में रखा हुआ है, उनको सील करके रखा हुआ है। और आप पिंक 4 o'clock भी ले सकते हैं, कोई मुझसे मॉर्निंग ग्लोरी भी पूछ रहा था, तो मॉर्निंग ग्लोरी के कलर मेरे ख्याल से पिंक कलर है, मुझे याद नहीं कौन से कलर हैं, तो कोई भी कलर है आप ले सकते हैं। तो लेने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी, थैंक यू।